करते हैं नहीं जनाब कोई बात नहीं बाकी क्यों नहीं करनी चाहिए जनाब बस जनाब तक कला हो गया कोई नहीं जनाब ठीक है जनाब ठीक है जनाब जी फोन फोन की रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना जनाब ऐसा देख ले नहीं देखो अगर तुम खुश होगे तो फिर कल खुश होगे तो थर्ड रैली में जाना ठीक है जो करना है किसान थारी बात हो रही है हाँ जनाब मारो लेकिन रात को सब बीपी बढ़ता हो पड़ा कौन बूढ़े का बीपी बढ़ जाता है उसका तो बहुत ना कोई दिक्कत नहीं आप काम कर दो सारा 2000 के 2000 कर देंगे अपने करनाल पुलिस के एक जांच अधिकारी की सोशल मीडिया पर पैसे लेते हुए की वीडियो वायरल हो रही है और इस वायरल वीडियो का क्या कुछ सच है करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपके बीच में लेकर पहुंचा है। उससे पहले हम आप सभी से अपील करेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जहां एक तरफ लगातार करनाल पुलिस के अधिकारी 2400 घंटे किस तरह से इस कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक असली चेहरा कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस वालों का भी बेनकाब होता हुआ जरूर होना चाहिए, सामने जरूर आना चाहिए जनता के कि किस तरह से हर केस में पैसे कमाते हुए पुलिस के अधिकारी जिनके खिलाफ निश्चित तौर पर प्रशासन को एक्शन जरूर लेना चाहिए। कुछ किसान है जिन किसानों से पैसे मांगे गए थे कलसोरा गांव जो करनाल के इंद्री में पड़ता है, इन्होंने ही जो है इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। किस तरह से लगातार पुलिस के जो अधिकारी इनसे अपना काम करवाने की एवज में जमीनी विवाद के एवज में पैसे की डिमांड कर रहे थे तो लगातार 10-10 हजार रुपए इन्होंने कई बार दिए, जिसमें से 2 से 3 बार की साफ वीडियो रिकॉर्डिंग जो है इनके कैमरे में कैद हुई है, जिसको हमने आपको पहले भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। और हम अपील करेंगे करनाल पुलिस के पुलिस अधीक्षक से ताकि इस मामले में गंभीरता से जो है कोई कार्रवाई की जाए। इस समय कलसोरा गांव के किसान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या इस वायरल वीडियो का सच है जो लगातार वायरल भी हो रहा है और किस तरह से हमने वीडियो में देखा एक पुलिस अधिकारी जो ब्याना चौकी का है, क्या कुछ उसका नाम है, लगातार आपसे 2 से 3 बार पैसे ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं गाँव कलसोरा का रहने वाला संदीप कुमार हूँ और ब्याना चौकी में चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह एसआई ने हमारे से कई बार पैसों की मांग की है, नजायज तरीके से हमारे से पैसे लिए हैं। हमने दरखास्त दी थी, हमारा कोर्ट में मामला विचाराधीन चला हुआ है, तो हमने उसके एवज में दरखास्त दी थी, स्टे की कॉपी हमने साथ में अटैच की थी। जब भी हमने उसको इंक्वायरी के लिए बोला, उसने इंक्वायरी करने के लिए मना कर दिया। एक दिन जब मौके पर हमारे कनक काटे जा रहे थे जबरदस्ती राजेंद्र एसआई के साथ मिलीभगत करके, तो हमने मौके पे जाके उसका विरोध किया, तो उसके विरोध करने के बाद उसने कहा कि आप जाके खुद मौके पे उसको रोक सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने हमारे साथ कहने के बाद, बहुत ज़्यादा कहने के बाद, हमारे साथ एक कॉन्स्टेबल एक यहाँ पे मुंशी को हमारे साथ भेजा है यूपी के रास्ते से, और वहाँ से उन्होंने जाके कंबाइन ट्रैक्टर गेहूँ 2 ट्रॉली गेहूँ की मौके पर पकड़ के ब्याना चौकी ले आए, और उन्होंने रात को हमारे को बोला कि यहाँ पे हम इसको गेहूँ को कस्टडी में नहीं रख सकते, इसको ऐसा है ये आपके कनक खराब हो जाएगा, और उन्होंने इसको मंडी जो पास में मंडी लगती है ब्याना मंडी उसमें जाके ट्रैक्टर ट्राली को रोक दिया और कंबाइन को रोक दिया। जब हम सुबह मौके पे गए तो हमें वहाँ पे ना तो ट्रैक्टर मिला ना ट्राली मिली, और रात को भी उसने हमारे से पैसे लिए कि हम आपको गेहूँ आपको दिला देंगे। क्योंकि दो वीडियो आपने दिखाए हैं, एक वीडियो में तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको आपने 500-500 रुपए के नोट उसके हाथ में पकड़ाए और उसने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। एक वीडियो सोया हुआ है, सोए हुए उसको आपने कितने पैसे पकड़ाए, इन दोनों वीडियो में कितने पैसे पकड़ाए गए और क्या पुलिस के अधिकारियों से अपील करेंगे? हमने उसको 2 बार 10-10 हजार रुपए दिए हैं, तो पहले भी उसने हमारे से पैसों की डिमांड किया, धमकाता है हमें कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ, ये गाँव में पूरा उसने हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रखा है कि अब तो ये हमारे साथ जो मर्जी कर रहे हैं, कोर्ट में मेरे को बुलाते हैं या हम अपने राइट के लिए कोर्ट में जाते हैं। लेकिन 2 बार इसने हमारे से पैसे लिए हैं, उससे पहले भी पैसे लिए हैं, जो इसकी वीडियो हमारे पास है। रात को इसने हमारा वो जो पकड़ा था कस्टडी में लिया था ट्रैक्टर लिया था, ट्रॉली ली थी, एक वो कंबाइन ली थी, उसको मौके से इसने फरार करा दिया। बंदे जो इसने मौके पे आदमियों को पकड़ा था कस्टडी में लिया था, ये ब्याना चौकी में इंचार्ज। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? हम तो यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, जिसने हमारी गेहूँ काटी थी मौके पे, जो वाहन थे उनको कस्टडी से छोड़ा गया। को पैसे दिया आपने? बिल्कुल, हमारे पास और भी वीडियो है, हम आपको दे सकते हैं वो,
और भी जहां पे बयाना चौकी में जब हमने सीएम विंडो में दरखास्त दी तब हमारे जूठे अंगूठे लगाए गए सीएम विंडो के संतुष्टि पे भी। उससे पहले हमारे गन्ने की फसल को खड़े खड़े नष्ट कर दिया गया। नाम है आपका? संदीप कुमार नाम तो है। ये समय आप देख रहे हैं करनाल के कलसोरा गांव के ये किसान है और हम आपको बताना चाहेंगे जमीन चकबंदी का मामला और डिस्प्यूट जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि इनका जो केस था वो कोर्ट में भी चल रहा है लेकिन इनसे लगातार पैसों की डिमांड की गई और चपचप इन्होंने पैसे दिए। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है इन्होंने बनाई है और वह वीडियो लगातार वायरल भी होती हुई नजर आ रही है। कुछ और किसान है कलसोरा गांव के इन्हीं के परिवार से, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या बताना चाहेंगे, क्यों पुलिस के अधिकारी आपसे ये पैसे ले रहे हैं जिसकी आपने वीडियो बनाई और क्या मामला है? ये कहते हैं जी हमको भी पैसे दो और हम उनको पकड़ेंगे और आपको आपकी गणक कटवाएंगे, लेकिन जी मारे कुछ नहीं होया। हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं इस बात से और इन्होंने इतने दुखी कर रखे कि हम के बच्चे घर से बाहर निकलना तंग कर रखे ना, इतने परेशान हैं जी हम इस बात से। किस अधिकारी ने पैसे लिया? राजिंदर यार एक क्या नाम उसका, मुंशी सनकन सिंह है। उस सनकन सिंह को 2000 रुपये दिए, 10,000 उसको पहले दिए जब वो खेत में गया कंपाइन पकड़ने के लिए, उसको रास्ते में उसको छोड़ दिया और तेल भी मर से डलवाया और हम इतने दुखी करे जी जिसका कोई अंत नहीं। दिशनार में दोनों ट्रालियां दोनों वीडियो भी है उसकी आपके पास? हाँ वीडियो बिल्कुल है, कंबाइन की भी है, सब किया है। हम तो कार्रवाई चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। क्या नाम आपका? करमवीर नाम है। तो किस तरह से जहां एक तरफ करनाल पुलिस के उन अधिकारियों को दिल से सैल्यूट करने का मन करता है और लगातार जो है मीडिया भी उनकी तारीफ जरूर कर रहा है क्योंकि 2400 घंटे किस तरह से कोरोना महामारी में वे जो है ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसे पुलिस कर्मचारियों की भी है जो हर चौकी थाने में तैनात होते हैं, जो लगातार किस तरह से केसों को निपटाने की एवज में मोटी रिश्वत मांगते हैं। किस तरह से दो वीडियो हमने आपको दिखाई, एक वही पुलिस का अधिकारी जो एएसआई है करनाल केंद्रीय थाना के बयाना चौकी में, राजेंद्र उसका नाम बताया जा रहा है, 10,000 रुपए उसने पहले कुर्सी टेबल पर बैठ के लिए, उसके बाद 10,000 रुपए उसने सोए हुए लिए, किस तरह से एक तखत पे लेटा हुआ था और 10,000 रुपए लेते हुए आराम से मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। हमारी अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। एक और किसान है जिन्होंने खुद अपने हाथों से उस पुलिस अधिकारी को वीडियो भी बनाई और पैसे भी दिए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप उनको पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पैसे की डिमांड वो लगातार आपसे कर रहे थे? पैसे की डिमांड कर रहे थे हमसे, हम जैसे चौकी में गए वो कह रहे थे भाई पैसे दो आपका काम हो जाएगा। कितने पैसे थे? एक बार 10,000, एक 2,000 दिए। क्या काम करवाना चाह रहे थे? हम कह रहे भाई हमारा काम होना चाहिए, भाई थारा काम हो जाएगा, तुमको पैसे दे रिश्वत दो। जमीन है आपकी? हाँ। कहाँ पे? यमुना पार। किसान है आप? हाँ। कौन सा गांव पड़ता है आपका? कलसोरा इंद्री में। इंद्री तो में। क्या कार्रवाई चाहेंगे? हम ये कार्रवाई चाहेंगे जो पकड़े हम मौके पे उन पे कार्रवाई है और जो इन्होंने रिश्वत लिए उन पे भी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? दिनेश। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि किसानों को ही, जी हाँ किसानों को ही ब्लैकमेल करके पुलिस का एक अधिकारी उनका काम करवाने की एवज में 10,000 रुपए कई बार लेता है। उसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पास जब ये वीडियो पहुंचा तो उसकी सच्चाई जब हमने जानी तो किस तरह से आप देख सकते हैं, हमारी अपील है इस ये वीडियो देश भर में जानी चाहिए, हरियाणा भर में जानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि अभी भी ऐसे पुलिस के अधिकारी हर चौकी थाने में है जो लगातार लोगों का खून चूसने का काम करते हैं, लगातार लोगों से पैसे की डिमांड कर उनको ब्लैकमेल करते हैं, यहां तक कि किसानों से भी, किसानों को भी नहीं बख्शा। किस तरह से उनसे लगातार रिश्वत पे रिश्वत दी गई जिसकी वीडियो खुद किसान ने एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत जो है बनाई है, हमारी आप सभी से अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और करनाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील है कि ऐसे आरोपी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ, ऐसे रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और हमारी आप सभी से अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोबारा से आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरह से आप देखेंगे कि पुलिस का अधिकारी कर्मचारी करते हुए लगातार पैसों की डिमांड कर रहा है और पैसे लेकर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। कमल मिड्डा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। जनाब ने ऐसा ही था कौन था मित्रपाल फोन तो दे दूसरा दे दूसरा पहला दस लोग
ये तो दूसरा कृष्ण था जी तो जनाब कोई बात नहीं क्यों नहीं करनी चाहिए जनाब बस ठीक है जनाब सुख में तो सब साथ चला फिर कर लियो उनसे बात वही एकदम ट्रली देखा है जनाब ट्रली पड़ी कोई बात नहीं बुला देंगे चिंता करो तो आ जाएगी ट्रली देख लो जनाब आप क्या आसमान तो आप पर आस रहा था और मुहम्मद ना के था मैंने तो आप ही देखो तुम्हारे को तुम्हारे को रखो आसरा पूरा आप पाई चलो चलो नहीं बताना है तुम्हारा वो जनाब गुस्सा नहीं होगा जनाब उनको हमारे तक था मानते नहीं बुलाए थे अभी बैठे थे ना जी हम बैठे हैं वो आ नहीं रहे जी महा जनाब रहे जनाब गुस्सा हम तो सुबह भी आए थे जनाब सुबह भी आए थे जनाब हम आपके आने से पहले हम आए थे हम सुलक्कन साहब को बताए गए थे नूनू कर का प्रॉब्लम हम वहां जाने के लिए बेमा तकलीफ होगी इसका ऐसी कोई बात नहीं जनाब कोई दिक्कत नहीं है जनाब की फीस पास जनाब तड़के से तल्ला हो गया कोई नहीं जनाब बसुना ठीक है ठीक है जनाब अभी हम यूपी के रास्ते से पुलिस को लेकर मौके पे आए हैं पुलिस ने ट्रैक्टर नंबर ये मौके पे रोक दिया ये फसल है इसमें कटी हुई या चोरी करी हुई या फसल ठीक है जनाब ट्रैक्टर नंबर कोई है पुलिस मौके पे पहुंची है 380 ट्रैक्टर है और ये एचएससी नंबर है ट्रैक्टर का एचएससी नंबर है ट्रैक्टर का इंजन नंबर ठीक है एचएससी नंबर इसका ट्रैक्टर का नंबर है 380 ट्रैक्टर है 380 ट्रैक्टर है और डबल टायर ट्राला है जैक वाला रुको एक मिनट वो नंबर देख इसका ट्रैक्टर नंबर निकल गया नंबर निकल गया पूरा नो तो वो तो नंबर मंडी में तो आएंगे
अगर तुम खुश हो गए खुश हो गए जो करना है थारी बात हो रही है उसका बीपी बढ़ता वो पढ़वा कौन बूढ़े का बीपी बढ़ता उसका तो वो तो आपको दिक्कत नहीं आप काम कर दो सारा 2000 के 2000 कर देंगे अपने आरोग्य बोल रहे कौन मोटर का कोई बात नहीं दिक्कत मान मारे को एक बिछा था बिछा और पहले उसको जनाब थोड़ा अज कनाल है कनाल के बाद पंचकूला बनाई दिया स्कूल बोल रहा कहने की आपकी पावर और कहने के बावजूद भी ऐसा कांड कांड कमाल है सरदार जी सन 75 कहूँ मैं गया फिर एक दफा कहने के बावजूद पत्ता नहीं हलता पत्ता भी नहीं हलता मगा पत्ता ले नहीं कभी भी हमने देखा पुलिस में दादी पुलिस सेवा चौंकी तो मना मंगवाई थी माटी दो इंटा दी मैंने सीमेंट दिया मैं किस बात नहीं जानता पत्ता भी नहीं हलता इन बगैर तो जनाब कोई बात नहीं क्यों नहीं करनी चाहिए जनाब बस जनाब तड़के सत्तर लाख गया कोई नहीं जनाब बस मारा जी जो करना है थारी बात हो रही है उसका बीपी बढ़ता वो पढ़वा कौन बूढ़े का बीपी बढ़ता उसका तो वो तो आपको दिक्कत नहीं आप काम कर दो सारा 2000 के 2000 कर देंगे अपने आरोग्य बोल रहे करनाल पुलिस के एक जांच अधिकारी की सोशल मीडिया पर पैसे लेते हुए की वीडियो वायरल हो रही है और इस वायरल वीडियो का क्या कुछ सच है करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपके बीच में लेकर पहुंचा है। उससे पहले हम आप सभी से अपील करेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जहां एक तरफ लगातार करनाल पुलिस के अधिकारी 24 घंटे किस तरह से इस कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक असली चेहरा कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस वालों का भी बेनकाब होता हुआ जरूर होना चाहिए, सामने जरूर आना चाहिए जनता के कि किस तरह से हर केस में पैसे कमाते हुए पुलिस के अधिकारी जिनके खिलाफ निश्चित तौर पर प्रशासन को एक्शन जरूर लेना चाहिए। कुछ किसान है जिन किसानों से पैसे मांगे गए थे कलसोरा गांव जो करनाल के इंद्री में पड़ता है, इन्होंने ही जो है इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। किस तरह से लगातार पुलिस के जो अधिकारी इनसे अपना काम करवाने की एवज में जमीनी विवाद के एवज में पैसे की डिमांड कर रहे थे तो लगातार 10,000 रुपए इन्होंने कई बार दिए, जिसमें से 2 से 3 बार की साफ वीडियो रिकॉर्डिंग जो है इनके कैमरे में कैद हुई है, जिसको हमने आपको पहले भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। और हम अपील करेंगे करनाल पुलिस के पुलिस अधीक्षक से ताकि इस मामले में गंभीरता से जो है कोई
कार्रवाई की जाए। इस समय कलसोरा गांव के किसान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या इस वायरल वीडियो का सच है जो लगातार वायरल भी हो रहा है, और किस तरह से हमने वीडियो में देखा एक पुलिस अधिकारी जो ब्याना चौकी का है, क्या कुछ उसका नाम है, लगातार आपसे 2 से 3 बार पैसे ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं गाँव कलसोरा का रहने वाला संदीप कुमार हूँ, और ब्याना चौकी में चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह एसआई ने हमारे से कई बार पैसों की मांग की है, नजायज तरीके से हमारे से पैसे लिए हैं। हमने दरखास्त दी थी, हमारा कोर्ट में मामला विचार दिन चला हुआ है, तो हमने उसके एवज में दरखास्त दी थी, स्टे की कॉपी हमने साथ में अटैच की थी। जब भी हमने उसको इंक्वायरी के लिए बोला, उसने इंक्वायरी करने के लिए मना कर दिया। एक दिन जब मौके पर हमारे कनक काटे जा रहे थे जबरदस्ती राजेंद्र एसआई के साथ मिलीभगत करके, तो हमने मौके पे जाके उसका विरोध किया, तो उसके विरोध करने के बाद उसने कहा कि आप जाके खुद मौके पे उसको रोक सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने हमारे साथ कहने के बाद, बहुत ज़्यादा कहने के बाद, हमारे साथ एक कॉन्स्टेबल एक यहाँ पे मुंशी को हमारे साथ भेजा है यूपी के रास्ते से, और वहाँ से उन्होंने जाके कंबाइन ट्रैक्टर गेहूँ 2 ट्रॉली गेहूँ की मौके पर पकड़ के ब्याना चौकी ले आए, और उन्होंने रात को हमारे को बोला कि यहाँ पे हम इसको गेहूं को कस्टडी में नहीं रख सकते, इसको ऐसा है ये आपके कनक खराब हो जाएगा, और उन्होंने इसको मंडी जो पास में मंडी लगती है ब्याना मंडी, उसमें जाके ट्रैक्टर ट्राली को रोक दिया और कंबाइन को रोक दिया। जब हम सुबह मौके पे गए तो हमें वहाँ पे ना तो ट्रैक्टर मिला ना ट्राली मिली, और रात को भी उसने हमारे से पैसे लिए कि हम आपको गेहूं आपको दिला देंगे। क्योंकि 2 वीडियो आपने दिखाए हैं, एक वीडियो में तो वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको आपने 500-500 रुपए के नोट उसके हाथ में पकड़ाए और उसने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। एक वीडियो सोया हुआ है, सोए हुए उसको आपने कितने पैसे पकड़ाए, इन दोनों वीडियो में कितने पैसे पकड़ाए गए, और क्या पुलिस के अधिकारियों से अपील करेंगे? हमने उसको 2 बार 10-10 हजार रुपए दिए हैं, तो पहले भी उसने हमारे से पैसों की डिमांड किया, धमकाता है हमें कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ, ये गांव में पूरा उसने हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रखा है कि अब तो ये हमारे साथ जो मर्जी कर रहे हैं, कोर्ट में मेरे को बुलाते हैं या हम अपने राइट के लिए कोर्ट में जाते हैं। लेकिन 2 बार इसने हमारे से पैसे लिए हैं, उससे पहले भी पैसे लिए हैं, जो इसकी वीडियो हमारे पास है। रात को इसने हमारा वो जो पकड़ा था कस्टडी में लिया था ट्रैक्टर लिया था, ट्रॉली ली थी, एक वो कंबाइन ली थी, उसको मौके से इसने फरार करा दिया। बंदे जो इसने मौके पे आदमियों को पकड़ा था कस्टडी में लिया था, ये ब्याना चौकी में इंचार्ज। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? हम तो यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, जिसने हमारी गेहूं काटी थी, मौके पे जो वाहन थे उनको कस्टडी से छोड़ा गया। बिल्कुल, हमारे पास और भी वीडियो है, हम आपको दे सकते हैं वो, और भी जहाँ पे ब्याना चौकी में जब हमने सीएम विंडो में दरखास्त दी तब हमारे जूठे अंगूठे लगाए गए सीएम विंडो के संतुष्टि पे भी, उससे पहले हमारे गन्ने की फसल को खड़े खड़े नष्ट कर दिया गया। नाम है आपका? संदीप कुमार नाम तो है। ये समय आप देख रहे हैं करनाल के कलसोरा गांव के ये किसान है, और हमको बताना चाहेंगे जमीन चकबंदी का मामला और डिस्प्यूट जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, हालांकि इनका जो केस था वो कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इनसे लगातार पैसों की डिमांड की गई और चपचप इन्होंने पैसे दिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है इन्होंने बनाई है, और वो वीडियो लगातार वायरल भी होती हुई नजर आ रही है। कुछ किसान है कलसोरा गांव के इनके परिवार से, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या बताना चाहेंगे, क्यों पुलिस के अधिकारी आपसे ये पैसे ले रहे हैं जिसकी आपने वीडियो बनाई है, और क्या मामला है? ये कहते हैं जी हमको भी पैसे दो और हम उनको पकड़ेंगे और आपको आपकी गणक कटवाएंगे, लेकिन जी मारे कुछ नहीं होया, हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं इस बात से, और इन्होंने इतने दुखी कर रखे कि हमके बच्चे घर से बाहर निकलना तंग रखे ना, इतने परेशान हैं जी हम इस बात से। किस अधिकारी ने पैसे लिया? राजेंद्र यार एक क्या नाम उसका, मुंशी सनकन सिंह है, उस सनकन सिंह को 2000 रुपये दिए, 10000 उसको पहले दिए जब वो खेत में गया कंपाइन पकड़ने के लिए, उसको रास्ते में उसको छोड़ दिया और तेल भी मर से डलवाया, और हम इतने दुखी करे जी जिसका कोई अंत नहीं, अंधिसनार में दोनों ट्रालियां दोनों, वीडियो भी है उसकी आपके पास? हाँ वीडियो बिल्कुल है, कंबाइन की भी है, सब किया है। हम तो कार्रवाई चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। क्या नाम आपका? करमवीर नाम है। तो किस तरह से जहाँ एक तरफ करनाल पुलिस के उन अधिकारियों को दिल से सैल्यूट करने का मन करता है, और लगातार जो है मीडिया भी उनकी तारीफ जरूर कर रहा है, क्योंकि 2400 घंटे किस तरह से कोरोना महामारी में वे जो है ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसे पुलिस कर्मचारियों की भी है जो हर चौकी थाने में तैनात होते हैं, जो लगातार किस तरह से केसों को निपटाने की एवज में मोटी रिश्वत मांगते हैं। किस तरह से 2 वीडियो हमने आपको दिखाई, एक वही पुलिस का अधिकारी जो एएसआई है करनाल केंद्रीय थाना के ब्याना चौकी में, राजेंद्र उसका नाम बताया जा रहा है, 10000 रुपए उसने पहले कुर्सी टेबल पर बैठ के लिए, उसके बाद 10000 रुपए उसने सोए हुए लिए, किस तरह से एक तखत पे लेटा हुआ था और 10000 रुपए लेते हुए आराम से मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। हमारी अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। एक और किसान है जिन्होंने खुद अपने हाथों से उस पुलिस अधिकारी को वीडियो भी बनाई और पैसे भी दिए, सर क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप उनको पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पैसे की डिमांड वो लगातार आपसे कर रहे थे? पैसे की डिमांड कर रहे थे हमसे, हम जैसे चौकी में गए वो कह रहे थे भाई पैसे दो आपका काम हो जाएगा। कितने पैसे थे? एक बार 10000
एक 2000 दिए। क्या काम करवाना चाह रहे थे? हम कह रहे भाई हमारा काम होना चाहिए, भाई थोड़ा काम हो जाएगा तुमको पैसे दे रिश्वत दो। जमीन आपकी? हाँ। कहाँ पे? यमुना पार। किसान है आप? हाँ। कौन सा गांव पड़ता है आपका? कलसोरा इंद्री में। इंद्री तो में। क्या कार्रवाई चाहेंगे? हम ये कार्रवाई चाहेंगे जो पकड़े हम मौके पे उन पे कार्रवाई है, और जो इन्होंने रिश्वत लिए उन पे भी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? दिनेश। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि किसानों को ही, जी हाँ, किसानों को ही ब्लैकमेल करके पुलिस का एक अधिकारी उनका काम करवाने की एवज में 10,000 रुपए कई बार लेता है। उसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पास सब ये वीडियो पहुंचा, तो उसकी सच्चाई जब हमने जानी तो किस तरह से आप देख सकते हैं, हमारी अपील है इस ये वीडियो देश भर में जानी चाहिए, हरियाणा भर में जानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी ऐसे पुलिस के अधिकारी हर चौकी थाने में है जो लगातार लोगों का खून चूसने का काम करते हैं, लगातार लोगों से पैसे डिमांड कर उनको ब्लैकमेल करते हैं, यहां तक कि किसानों को भी नहीं बख्शा। किस तरह से उनसे लगातार रिश्वत पर रिश्वत दी गई, जिसकी वीडियो खुद किसान ने एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत जो है बनाई है, हमारी आप सभी से अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, और करनाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील है कि ऐसे आरोपी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ, ऐसे रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर सख्त एक्शन होना चाहिए, और हमारी आप सभी से अपील है जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोबारा से आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरह से आप देखेंगे कि पुलिस का अधिकारी कर्मचारी करते हुए लगातार पैसों की डिमांड कर रहा है और पैसे लेकर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जनाब ने कौन था मित्रपाल ये तो दूसरा क्वेश्चन था जी। जनाब कोई बात नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए जनाब? बस ठीक है जनाब। सुख में तो सब साथ चला। फिर कर लियो उनसे बात, वही एकदम ट्रली देखा जिन्होंने ट्रली खड़ी हुआ। कोई बात नहीं, बुला देंगे, चिंता करो। देख लो जनाब आप क्या था, हम तो आप पही असर आया था और मर ना के था, मैंने तो आप ही देखो तुम्हारे पर तुम्हारे पर रखो आसरा पूरा आप पही। चलो भाई चलो, बताना है तुम्हारा वो जनाब, गुस्सा नहीं होगा जनाब, उनको हमारे तक था मानते नहीं बुलाए थे भी, और ये तभी बैठे थे ना, हम बैठे हैं वो आ नहीं रहे जी। हाँ जनाब, जनाब गुस्सा हो, हम तो सुबह भी आए थे जनाब, सुबह भी आए थे जनाब, हम आपके आने से पहले हम आए थे, हम सुलक्कन साहब को बताए गए थे नूनू कर का प्रॉब्लम, हम वहां जाने के लिए तकलीफ होगी उसका, ऐसी कोई बात नहीं जनाब, कोई दिक्कत नहीं है।
दिनों की फीस पास दी मेरे को तो नहीं हजार रुपये ठीक है जनाब यूपी के रास्ते से पुलिस को लेकर मौके पे आए हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर नंबर ये मौके पे रोक दिया। ये फसल है, इसमें कटी हुई या चोरी करी हुई या फसल? ठीक है जनाब, ट्रैक्टर नंबर कोई नहीं है। पुलिस मौके पे पहुंची है, 380 ट्रैक्टर है। और ये एचएससी नंबर है ट्रैक्टर का? इंजन नंबर ठीक है, एचएससी नंबर इसका ट्रैक्टर का, माचिस दो, ईंटा दी, मैंने सीमेंट दिया, मैं किस बात नहीं जानता, पत्ता भी नहीं हलता इन बगैर तो।